अब योग साधना की चार अवस्थाएं। तो योग साधना की चार अवस्थाओं का वर्णन भी तीसरे पटल में किया गया है। तीसरे पटल में किया गया है। आरंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय अवस्था एवं निष्पत्ति अवस्था के रूप में योग की चार अवस्थाओं का वर्णन शिव संहिता में किया गया है। आरंभ अवस्था अर्थात नाड़ी शुद्धि एवं दोषों का नाश। नाड़ी शुद्धि एवं दोषों का नाश से आरंभ अवस्था प्राप्त होती है। घट अवस्था कब प्राप्त होती है? जब प्राण पान एक हो जाते हैं, नाद बिंदु एक हो जाते हैं, जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है, अर्थात प्राणायाम की उत्कृष्ट अवस्था आ जाती है, सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, जिसमें प्राण अपान एक, नाद बिंदु एक और जीवात्मा परमात्मा अर्थात आत्मज्ञान की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। तो ये घट अवस्था है, ये घट अवस्था है। इसकी घट अवस्था योग साधना की। तीसरी अवस्था परिचय अवस्था। जब प्राण वायु स्थिर हो जाती है, तब प्राण क्या, प्राण वायु का इड़ा पिंगला को त्याग कर कहाँ प्रवाहित होती है? सुषुम्ना में। तब योगी के तीनों कर्म बंधन प्रारब्ध संचित और क्रियमान का प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना? चूंकि प्राण वायु स्थिर हो जाता है, तो प्राणों का संचार केवल कहाँ होगा? सुषुम्ना में। सुषुम्ना में ही सब कुछ कर्म बंधन, कर्म संस्कार है। तो सुषुम्ना में प्रवाहित होने से प्राणों का निरंतर योगी को अपने प्रारब्ध संचित और क्रियमान कर्मों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर वो अपनी अवस्था जान लेता है और धीरे धीरे उस प्राणायाम से उसके ये कर्म बंध भी नष्ट होने लग जाते हैं। ठीक है? और ये परिचय अवस्था कब? दंडाष्टक वायु स्थिर हो जाए, दंड अष्ट, ठीक है, 8 दंड तक हो जाए, उसमें 3 घंटे, 3 घंटे, 24 24 24 दंडाष्टक, ठीक है। तो 24 × 8 कितने हो जाएंगे? 3 घंटे, सॉरी, 3 × 8 24 92 दंडाष्टक, 72 घंटे होंगे इससे, तो ऐसा कुछ 9 × 8 होगा दंडाष्टक, ठीक है। तो 3 घंटे तक निरंतर इसको करने से वायु स्थिर हो जाती है, वायु स्थिर हो जाती है। हाँ सॉरी, 180, 24 × 9 में 180 हो पाएगा क्या? दंडास्त, ठीक है। तो 3 घंटे तक वायु स्थिर, परिचय अवस्था। चौथी निष्पत्ति अवस्था। इस अवस्था में योगी अनादि कर्म बीजों से पार होकर, क्योंकि कर्म संस्कार जब प्राण वायु स्थिर हो जाते, नाश हो ही जाता है, तो चौथी अवस्था जब प्राप्त होगी, तो अनादि कर्म बीजों से पार होकर अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है, तब ये निष्पत्ति में पहुंचता है। निष्पत्ति अवस्था संपन्न हो जाती है और इस अवस्था में योगी की स्वेच्छा से समाधि हो जाती है। जब चाहे वो समाधि लगाए ले, जब चाहे वो जो कुछ कर ले, वो जीवन मुक्त शांत धीर योगी बन जाता है, धीर योगी बन जाता है। इस प्रकार ये चार अवस्था योग की किसमें वर्णन थी? तीसरे पटल में। अब तीसरे पटल में प्रत्याहार का वर्णन है। एक प्रहर 3 घंटे पर्यंत वायु धारण की क्षमता की स्थिति प्रत्याहार है। दंडाष्टक वायु को धारण करने से भी परिचय अवस्था प्राप्त हो रही थी, और बोल रहे हैं ये प्रत्याहार की स्थिति भी क्या है? 3 घंटे तक भीतर वायु धारण रहे, वह स्थिति प्रत्याहार है, वह प्रत्याहार है। इंद्रिय जय के लिए विषयों में आत्मा की भावना करें। जैसे विषय है भोजन, तो भोजन में आत्मा, इसमें भी आत्मा है, तो सर्वत्र आत्मा की भावना करने से इंद्रिय जय की स्थिति प्राप्त होती है, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। श्री संहिता क्या कह रही है कि इंद्रिय जय के लिए विषयों में आत्मा की भावना करें। प्रश्न आ जाए, इंद्रिय जय के लिए किस क्या अभ्यास करें? तो विषयों में आत्मा की भावना, विषयों में आत्मा की भावना। एक प्रश्न प्रत्याहार भी आ जाए, एक प्रश्न और कुछ आ जाए, प्राणायाम, लेकिन शिव संहिता के अनुसार विषयों में आत्मा की भावना का वर्णन है, आत्मा की भावना का वर्णन है। अब कुंभक की पूर्णता कब आती है? तो एक बार में 3 घंटे तक कुंभक का अभ्यास करने से कुंभक की पूर्णता आती है। एक बार में 3 घंटे तक कुंभक का अभ्यास करने पर कुंभक की पूर्णता आने का वर्णन किया गया है। ठीक है? अब सर ये पंचधारणा। हाँ हरिओम।
हरिओम सर, ये सर ये थोड़ा समझ में नहीं आ पा रहा है कि प्रत्याहार में बोला कि 3 घंटे तक वायु धारण की क्षमता, और कुंभक में बोला कि एक बार में 3 घंटे तक कुंभक का अभ्यास एक बार में, ये कैसे संभव हो सकेगा सर? संभव कैसे हो सकेगा, तो अभ्यास से होगा। इन्होंने वही 3 घंटे की कुंभक की स्थिति को प्रत्याहार कहा है। अलग अलग जगह प्रत्याहार की भिन्न भिन्न परिभाषा है, इन्होंने परिभाषा ही प्रत्याहार कहा है। ठीक है, क्या कहा कि आप ये 3 घंटे प्राण को धारण कर लेते हो, रोक लेते हो, तो प्रत्याहार है, और वही कुंभक की पूर्णता है, और उसी से परिचय अवस्था होती है, आगे सिद्धि प्राप्त होती है, 3 घंटे तक वायु स्थिर हो जाए। ठीक है, तो वायु स्थिर हो जाए तो ये अभ्यास से कोई 5 मिनट, कोई 2 मिनट, कोई 1 मिनट करता है, धीरे धीरे जब अभ्यास करता है तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, अभ्यास ऐसे कैसे संभव, वैसे कोई अभ्यास अपने पास है नहीं। अब रही बात हम लोग तो स्वयं अभ्यास करें। ठीक है, अब पंच धारणाएं, इसमें पांच धारणाओं का वर्णन है, पांच धारणाओं का वर्णन है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ठीक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो पृथ्वी की धारणा कहाँ करनी है, तो मूलाधार में 5 घड़ी 2 घंटे पर्यंत पृथ्वी तत्व की धारणा का वर्णन शिव संहिता कर रहा है। कहाँ, मूलाधार में। जल, चूंकि जल का स्थान ही स्वाधिष्ठान है, एक दृष्टि से देखोगे तो ये पंच तत्व पांच और चक्रों में स्थान है, उसी का ये है पांच धारणाएं। जल की स्वाधिष्ठान में 2 घंटे पर्यंत, नाभि स्थान अग्नि का स्थान नाभि है, तो नाभि स्थान में 2 घंटे पर्यंत का वर्णन है। वायु हृदय के मध्य में, वहां भी 2 घंटे का है। आकाश भूमध्य में, ठीक है, भूमध्य में, ये एक भिन्नकंठ तक ही आकाश तत्व तो था, लेकिन यहाँ भूमध्य है बस, तो भूमध्य में 2 घंटे पर्यंत धारणा का, ये पांच धारणाएं पांच तत्वों के, मूलाधार, लिंग स्थान, नाभि स्थान, हृदय स्थान, भूमध्य स्थान, भूमध्य स्थान, तो यहाँ कंठ चक्र ना होके आज्ञा चक्र का वर्णन है। ठीक है, अब धारणा के अभ्यास से योगिंद्र पंचभूतों से नष्ट नहीं हो सकेगा, तथा ब्रह्मा की शतायु पूर्ण होने पर भी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी ने पूरे 100 वर्ष जी लेंगे, तब उसके बाद भी उसकी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगी, इस प्रकार का वर्णन पांच धारणाओं में किया गया है। इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। कुछ नहीं पूछना, प्राणायाम सर इसमें अनुलोम विलोम का बताया गया ना सर, प्राणायाम के बारे में? तो अभ्यास में अनुलोम विलोम का ही वर्णन है। नहीं, ये अनुलोम विलोम का वर्णन केवल इसी में मिलता है सर, या और भी अन्यत्र भी मिलता है? अनुलोम विलोम नाम नहीं दिया है। ठीक है, लोम विलोम का वर्णन किसी एक और ग्रंथ में मिलता है, वो लोम विलोम शब्द है वहां, जबकि इस अनुलोम विलोम का वर्णन जो कपालभाति है, हाँ, तो जो वात कपाल दो कर्म। प्रकार का वर्णन है, तो वात कर्म कपालभाति में अनुलोम विलोम का वर्णन है। ठीक लेकिन जो है, सर ये पर्टिकुलर जो शब्द है ना सर, अनुलोम विलोम, वो इसी ग्रंथ में है ना केवल? लोम विलोम तो है शब्द, लेकिन मैंने अनुलोम पढ़ाया विलोम था, मैं अभी के, भूल गया, जब हम पढ़ेंगे तो किसी में आएगा। ठीक है, ये लोम हाँ विलोम या तो योग बीज में आएगा, या फिर हठ रत्नावली में आएगा, या वशिष्ठ संहिता में किसी में आएगा, या योग हठ योगी उपनिषदों में। लोम विलोम शब्द तो किसी में आया है एक बार, अनुलोम विलोम ये शब्द नहीं आया है। ये केवल इसी ग्रंथ में शिव संहिता में ही है नहीं, इसमें लोम अनुलोम विलोम नहीं है इसमें। लिखा यहाँ था। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने चर्चा की थी सर, मैंने ये ये यहीं पे बोला था। कि इसमें जो प्राणायाम है प्रणोभ्यास, वो अनुलोम विलोम का वर्णन है। मैंने अनुलोम विलोम अपना शब्द डाला है यहाँ अच्छा, ठीक है, आप लोगों को बताने के लिए कौन सा प्राणायाम का वर्णन है। तो ये शब्द किसका रचा हुआ सर, अनुलोम विलोम कहाँ से आया है सर? मैंने बोला ना किसी ग्रंथ में है, वो ग्रंथ मुझे स्मरण नहीं है अभी। लोम आपने तो लोम विलोम बोल रहे हो सर, लोम विलोम बोल रहे हो, अनुलोम विलोम, विलोम लोम बोल पढ़ा रहे हो। उल्टा सीधा, तो लोम को अनुलोम कह दिया पीछे पीछे। अच्छा, स्वरचित हाँ है मतलब, कुल मिला के शब्द जो है, समझ गया मैं। स्वरचित नहीं हुआ, अनुलोम कह दिया, तो अनुलोम स्वतः ही वो है उससे।